तो ताबिश उमान में है यानी जी जी सामने मैं उमान में हूँ बिल्कुल, मगर मेरा अभी भी ये ख्याल है और गुमान भी गालिब गुमान जी 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 ताबिश मेरे ऐसे ही रबते में है जैसे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे या अदनान या निदा है निदा निदा के मुताबिक दानिश और निदा हम एक तो काउंट करते नहीं थे कभी भी निदा वैसे तो हमारी बहन है लेकिन रवैयों के अतबार से हमारी छोटी बहन है लेकिन रवैयों के अतबार से हमारी बड़ी बहन है वो भाई है भाई है अच्छा भाई है भाई है अच्छा मिजाज में जो है ना भाइयों वाली सही और हमारे साथ रही है तो भाई ही बनी है वो हमने उसको भाई बना के रखा है अच्छा मेरी हमारी छोटी बहन है और मैं उसको आपा कहता था अभी भी अक्सर आपा कहता हूँ मैं उसको क्यों कहता हूँ बस मुझे अच्छा लगता है मेरी बड़ी बहन नहीं थी तो मैं उसको आपा ही कहता था और मोहब्बत है वो जितनी हमसे करती और हम करते हैं बस दानिश के मामलात अच्छे हैं दानिश ने हम सब भाई बहनों की बनस्बत बहुत सारा अच्छा और बुरा वक्त देखा है जी शायद हम लोगों से ट्रैवलिंग भी ज़्यादा है ज़्यादा ट्रैवलिंग उसके बिल्कुल ऐसे ही बस हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करें आमीन सुम्मा आमीन भतीजे भतीजियों में भांजों भांजियों में किसको देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं हाशिर के मुतालिक बात हुई हमारी तो बहन भाइयों के बच्चों में जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा वो मुहिब को दादी के पास आने की नस्बत से बहुत अम्मा सबका फेवरेट है वो क्योंकि फर्स्ट जी जी और फिर यहाँ पे जो लोग अवेलेबल हैं उसमें दानिश के साहबजादे हैं हुज़ैफ़ा अच्छा ये तो नहीं कि कोई कमी पूरी हुई मगर ये कि अब्दुल्ला के आने से जी एक एहसास ज़िंदा हुआ कि भाई हमारे इस क्लैन में हमारी इस फैमिली में जी और भी बच्चे हैं अब्दुल्ला भी हैं जो सफ़े अव्वल के बच्चों में जी 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 अब ये है कि अब उम्मीद है कि इंटरेक्शन और बढ़ेगा सही अरीज अरीबा अरीज अरीबा ये हाँ ये आमिर हमारे बहनोई माशाल्लाह से अच्छे मिजाज के हैं सही नवीन रह गई हैं मैं तो उसको डेंटिस्ट कहना शुरू कर दिया एक साल हो गया हाँ, नवीन का भी मामला कुछ भाइयों वाला ही है वो तो बोलती भी बाज़ दफ़ा स्पीच उसकी उसके जो लव्स हैं मैं खाता हूँ बाज़ दफ़ा अभी स्लिप हो जाते हैं अभी भी ऐसे ही ऐसे ही चले अभी आप क्या देख रहे हैं हम ये लास्ट क्वेश्चन है और इस पर हम कंक्लूड करेंगे अभी आप क्या देख रहे हैं कि 5 साल में आप कहाँ हैं आपका घर कहाँ है आप खुद जॉब प्लेस पे बिजनेस कोई वेंचर कोई कुछ क्या देखते हैं जब मुझे समझ आई मैंने लोगों से जाना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमान लोग जो भी हैं वो नौकरी की तरफ ना जाएं कारोबार की तरफ जाएं तो मैंने अपनी जो गुजरी हुई ज़िंदगी इसमें 2 अटैम्प्ट किए जी कि मैं कोई कारोबार खड़ा कर सकूँ कारोबार जिसमें मुझे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ जी मुझे छोड़ना पड़ा जी पर अभी भी मैं उसी के लिए कोशिश यानी कोशा हूँ कर रहा हूँ कोशिश लेकिन इस बार मैं बिजनेस को जो भी मैं कर पाया जी जी तो कंप्यूटर की निगाह से देखा सही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड जनरल होता है चलें ये मैं हर एक को कह रहा हूँ और मैं इस पर कायम रहूँगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कायम रखे कि बायोग्राफीज़ तो हमने डिस्कस कर ली हैं लेकिन फिक्री नशेस जो है ना वो अलग से रखी जाएगी इस पर जो हमारा क्लीशे क्वेश्चंस होते हैं कॉमन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं कि फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ और ऑल दैट कोई 2 अफराद जिनको आप अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स डेडिकेट करना चाहेंगे ये हैं जिनको मैं कहूँगा तीन
3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसमें जो लोग बहुत नुमाया हैं जिनको कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उसमें अब्बू हैं, अम्मी हैं और इरफान भाई जो एक उस्ताद की हैसियत से जी जिंदगी में आए। और मेरी हर वीडियो में जिक्र हो रहा है कि मैं अपना सारा काम जो है वो दो अफराद को डेडिकेट करता हूँ रिटर्न में भी, और वो मेरे अब्बू मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी साहब और इरफान अहमद खान मेरे उस्ताद। तो भाई भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको सेफ एंड बता दूँ, आपने भाभी का भी नाम लेना है वीडियो के एंड में, वो चेक करेंगी क्योंकि आपका माशाल्लाह से 20 साल से ज़्यादा का इज़दवाजी रिश्ता है, 21वां साल चल रहा है शादी को माशाल्लाह से। आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन? मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन मेरे ख्वाब को अमली शक्ल देना, सबसे बड़ा ख्वाब हाशिर को हिस्स करवाने का, और उसमें भाभी का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। इवन मैंने ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, बहुत कम देखे, जो सब्जेक्ट नहीं आता, जो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद नहीं पढ़ा जी, वो YouTube पे सीख के आखिर को सिखाए। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब। भाभी मेरे साथ जो है वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी रही हैं, और बड़ा मेरा उनसे बड़ा अच्छा और बड़ा बेतकल्लुफी का ताल्लुक़ है, और वो माशाल्लाह से नकाब करती हैं, लेकिन ताल्लुक़ मेरा बेतकल्लुफी का ही है, और जितना मेरा बेतकल्लुफी का है किसी का नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट में बताना चाहूँ? जी जी, मेरी बेगम ने बायोलॉजी से किया है इंटरमीडिएट, और हाशिर को फर्स्ट ईयर इंटर की मैथ्स पढ़ाई। ओहो, इंटर की पढ़ाएगी फर्स्ट ईयर की पढ़ाएगी, क्या बात है, क्या बात है। भाभी की टीवी अपीयरेंस भी है एक हाँ। उनका मॉर्निंग शो में कोई इंटरव्यू था जिसमें वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, कुछ बताइए। एक तो इदारा रहा कीका, अच्छा, जहाँ से उसने शेफ का कोर्स किया, सही। अच्छा, एक और इदारा है, वो मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, वर्ल्ड फेमस है। अच्छा अच्छा, अच्छा। उसकी ब्रांच थी यहाँ पर जहाँ से उसने फैशन एंड डिज़ाइनिंग, क्या बात, के हवाले से कोर्स किया। और ये वो पॉइंट था जब भाभी एक बिजनेस वुमन की तरफ टर्न हो रही थी। बिल्कुल ऐसे, मैं अभी भी इनक्रेज करूँगा कि वो इसी तरह से वो आगे बढ़ें। अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छी दुआएं हैं आपके लिए भी, और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है हमारे लिए इंशाल्लाह। ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला है कि बायोग्राफी पे तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन फिक्री नशीस हमारी होनी है इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।